हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, आज से पूरे भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया में नवरात्रि की सेलिब्रेशन हो रही है और भाई साहब सारे भारतीय नवरात्रि की सेलिब्रेशंस में लग चुके हैं। तो आज हम वॉच करेंगे आखिर ये नवरात्रि और दुर्गा पूजा की सेलिब्रेशन क्यों मनाई जाती, क्यों होती है नवरात्रि सेलिब्रेट। हाँ, सबसे बड़ी बात वही ना। तो आज हम ये वॉच करने वाले, वीडियो काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है, खास तौर पे हम मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हमें जानने को मिलेगा कि आखिर नवरात्रि की सेलिब्रेशन क्यों होती है। वाकई जाहिर बात है। तो भाई वॉच करते देखते हैं, भाई देख ही पता लगेगा। तो कौन करते हैं स्टार्ट। पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं के द्वारा काफी धूमधाम से दुर्गा पूजा अर्थात नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। हम दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाते तो हैं, पर बहुत सारे लोग नहीं जानते कि आखिर इन दिनों देवी दुर्गा की आराधना क्यों करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे क्यों मनाते हैं नवरात्रि दुर्गा पूजा। तो चलिए दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। महिषासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसका शरीर आधा दैत्य व आधा भैंसे का था। उसने ब्रह्मदेव की कठिन तपस्या की और अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रश्न किया। तपस्या से प्रश्न हो ब्रह्मदेव प्रकट हुए, बोले, महिषासुर, तुमने अपनी कठिन तपस्या से मुझे अति प्रश्न किया है, बोलो क्या चाहते हो। महिषासुर ने एक क्षण गवाए बगैर कहा, भगवान, आप मुझे अजर अमर होने का वरदान प्रदान करें। ब्रह्मदेव बोले, जो दुनिया में आता है उसे तो जाना ही पड़ता है, यह सृष्टि का नियम है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, तुम कुछ और वरदान मांग लो। महिषासुर ने कुछ सोचकर कहा, भगवान, आप मुझे यह वरदान प्रदान करें कि मैं किसी देवता मनुष्य के हाथों ना मारा जाऊं और मैं अति शक्तिशाली बनूं ताकि मुझे कोई पराजित ना कर सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया। कोई भी अपने बल पर वह मनुष्य व देवताओं को तरह तरह की यातनाएं देने लगा। उसने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया। सारे देवगण महिषासुर के आतंक से आतंकित होकर त्रिदेवों के पास पहुँचे। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश से विनती की कि महिषासुर के आतंक से उनकी रक्षा करें, परंतु महिषासुर को तो वरदान प्राप्त है कि वो किसी मनुष्य पशु और देवताओं के हाथों नहीं मारा जाएगा। त्रिदेवों ने तीनों लोकों में फैले महिषासुर के आतंक के रक्षार्थ एक देवी की रचना की। तभी सभी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी को प्रदान किए। ये हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए बड़ी बड़ी आंखों वाली सिंह पर सवार देवी माता दुर्गा कहलाई। महिषासुर के समक्ष जब देवी दुर्गा प्रकट हुई तो माता के अद्भुत सौंदर्य पर महिषासुर मुग्ध हो गया। उसने माता से विवाह करने की बात कही। माता देवी दुर्गा ने महिषासुर से कहा, ठीक है, मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगी, परंतु मेरी शर्त पर तुम्हें खरा उतरना होगा। कैसे? तुम्हें मुझे युद्ध में परास्त करना होगा। युद्ध में? यदि तुमने मुझे युद्ध में परास्त कर दिया तो मेरा विवाह तुमसे निश्चित होगा। माता दुर्गा की लीला से महिषासुर अवगत नहीं था। उसने माता दुर्गा से युद्ध आरम्भ कर दिया। 9 दिनों तक देवी दुर्गा व महिषासुर के बीच घमासान युद्ध चलता रहा और अंततः माता ने महिषासुर का वध कर तीन लोगों को उसके आतंक से बचाया। उसी समय से दुर्गा पूजा का अनुष्ठान किया जाता है। यह त्योहार अश्विनी महीने में मनाया जाता है, जिसे आसिन नवरात्र के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार कलश स्थापना से आरंभ होता है व नवमी तक चलता है। 10वीं तिथि को दशहरा मनाया जाता है। दशहरे के दिन माँ देवी दुर्गा से शक्ति प्राप्त कर श्री राम ने रावण को मार गिराया था व संसार को उसके कुकर्मों से मुक्ति दिलाई थी। नवरात्र में एकम से लेकर नवमी तक देवी के 9 रूपों की बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूजा की जाती है। इस समय माता दुर्गा धरती पर अवतरित होती है। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ माता की उपासना करता है, देवी उन्हें मनवांछित फल प्रदान करती है।
इस त्योहार को नवरात्रि का त्योहार भी कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक। नवरात्रि इसलिए बोला जाता है कि नौ रातें यानी कि नौ रातें नौ नवरात्रि का मीनिंग। वाह यार, और नौ दिन माँ दुर्गा की उनके नौ रूपों की अलग अलग पूजा होती है वजात, और दसवें दिन दशहरा मनाया जाता है जिसमें रावण को आए थे आग लगाई। भगवान राम जी ने वो मतलब माता दुर्गा से वो शक्तियां लेकर और उसको मारा था, ये बता रहे ना। हाँ, अंदाजा लगा मतलब ये है अंदर की कहानी। इस वजह से मनाई जाती है कि माँ दुर्गा, दुर्गा पूजा तब की जाती है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था और भाई नौ दिन लगातार लड़ लड़ गए। हाँ, और देख माँ दुर्गा इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि महिषासुर का दिल आ गया और दिल आ गया और पिघल गया और कहता ठीक है युद्ध कर। ये भी भूल गया था कि यारा कि भाई मुझे तो किसी देवता और मनुष्य पे वो लगा हुआ था ना, लेकिन किसी नारी का तो नहीं मिला था वरदान। वही तो ना, फिर माता जी ने वही ना भाई साहब, वो डायरेक्ट भाई कहता मुझे आपसे शादी करनी है। शादी में तो बताइए ना, तूने भाई स्वर्ग में कब्जा किया हुआ था ना, हर हर जगह पर कब्जा, हर जगह, क्योंकि उसको कोई मार नहीं सकता ना, देवता भी उसके खौफ से थर थर कांपते थे। और एक तरह से देखा जाए तो भगवान विष्णु जी भी नहीं मार सकते थे, क्योंकि जाहिरी बात है वरदान जो उनको मिला हुआ था, मार तो वो सकते थे लेकिन वरदान का उल्लंघन नहीं करना। हाँ, सीधी सी बात, क्योंकि फिर वो बातें होती हैं कि भाई साहब के वरदान को उल्लंघन नहीं किया जा सकता, वो नियम होता है वजह, ये सीधी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात दे, माता दुर्गा जी के नौ दिन तक यारा उनकी आराधना की जाती है भाई, और दसवें दिन दशहरा मनाया और जाता है। भाई साहब फिर रावण को जलाया जाता है। हाँ, अंदाजा लगा ले दसवें दिन। तू खुद देख के भाई साहब कितना प्यारा फेस्टिवल है कि नौ दिन तक लगातार सेलिब्रेशन चलती है, लगातार, और मजा आता होगा। और भाई देख यहाँ पर अधर्म का अंत हुआ तो भाई सब खुशियां तो मनाना बनता है। जब अधर्म का अंत हुआ हो खुशी ना मनाई जाए तो भाई मेरे उस चीज का मजा भी तो नहीं आता। धर्म का अंत हुआ जिसने पूरी दुनिया पर कब्जा किया, जिसने स्वर्ग पे कब्जा किया, जिसने कोई जगह छोड़ी नहीं। माँ दुर्गा ने जब उसका अंत किया, बुराई का अंत किया खुद अपने हाथों से, तो खुशी तो बनती है ना। ओ भाई उसको ये समझो खुशी के माता जी ने लीला कैसे रची, कहती हैं कि ठीक है आप मुझसे जंग लड़ो, मैं लड़ाई करो, अगर मैं हार गई तो आप मुझसे शादी। लेकिन महिषासुर ये नहीं समझा था कि आगे नारी है, और आगे नारी छोड़े आगे माता जी है खुद। वही तो वो वरदान मांगते हुए कहते हैं ना, इंसान लालच में जब होता है ना तो गलती कर जाता है। उससे ये तो नहीं बोला था ना कि नारी नारी हो, वो उसने कहा था कि कोई भी देवता मनुष्य या मतलब कोई भी उसमें जो भी आता है कि वो मुझे मार ना सके। तो भाई आगे फिर भगवान होते हैं ना, आगे ब्रह्मा देव जी भी था, उसको भी पता कि हाँ ठीक है इसका तोड़ कोई ना कोई तो है ना यार। वो उनको हर दुनिया की चीज का पता है, उसने जो वरदान मांगा तो भाई ऑलरेडी ब्रह्मा देव जी को पता लग गया था कि भाई कि इसका तोड़ है। तो मांगा ही नहीं। चल कहता तू बोल के जान छुड़ा, क्योंकि अगर वो पूरी उम्र जब उसे जिंदा रहने का बोला उस तरह तो उसको कोई नहीं कर सकता था। तो भाई ब्रह्मा देव जी ने बोला नहीं ये काम है नहीं कर सकता। जाहिर बात है वजह अजर कैसे दिया जा सकता है। तो फिर ये देख इस तरह नवरात्रि, मुझे यार लगता है कि नवरात्रि नौ रातें मेरे ख्याल से इसी तरह का होता होगा। कमेंट सेक्शन में भी इसका थोड़ा सा बता दीजिएगा। नौ रातें यार, नौ दिन से आज हमें पता लगा कि क्यों सेलिब्रेशन होती है। मजा आ गया। आपके क्या थॉट इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो